अजीज तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। मैं अली अब्बास जमात शशम उर्दू के हवाले से सबक नंबर 19 है बेटा, इसका हमने पहला हिस्सा पढ़ा था। सबक का नाम है इस्लामी ममालिक की तंजीम। पहले हिस्से में मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि इस सबक का मकसद ये है कि इस सबक में आप लोगों को यह बताया जाता है कि दुनिया के वजूद में आने से लेकर मौजूदा हालात में तमाम इस्लामी ममालिक ने अलामा इकबाल के उस शेर पर जिस पे अलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के सहल से लेकर ताब खाके काशगर तक, उस ख्वाब की तकमील के लिए, उस ख्वाब को की तबीर के लिए मुसलमान ममालिक के बादशाहों ने और मुसलमान ममालिक के लोगों ने कितना अमल दरामद किया है। और आज जहाँ पर भी जाएं मुसलमान ज़बू हाली का शिकार हैं, कहीं पर इसकी वजह मुसलमानों की आपस में ना चाकी और ना इत्तफाकी तो नहीं है। इसलिए कुछ मुसलमान रहनुमाओं ने 1969 में एक जमात बनाने का ऐलान किया, एक ऐसी जमात बनाई जाए अक्वामे मुत्तहदा के मुकाबले में जिस तरह अक्वामे मुत्तहदा एक इदारा है। अक्वामे मुत्तहदा देखने में तो तमाम ममालिक के लिए इदारा है, उसमें मुसलमान और काफरों की कोई तफरीक नहीं है, लेकिन असल में मौजूदा वक्त में वो सिर्फ काफरों की लौंडी बनकर रह गया है। तो उसके मुकाबले में मुसलमानों ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था इस्लामी ममालिक की तंजीम, जिसका हिस्सा अव्वल मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। आज इस्लामी ममालिक की तंजीम का हिस्सा दोम, जिसमें अल्फाज मैनी है, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसके बाद उसकी मशक में शामिल हैं सवालात के जवाबात और वह जमा। अगर पहले अल्फाज की तरफ आए तो वो अल्फाज है फ़आल। फ़आल के मैनी होते हैं सरगर्म, फुकदान, कमी, वस्त, दरमियान, उम्मत। यहाँ पे उम्मा से मुराद उम्मत मुस्लिमा, हरम, खाना काबा, फिरोग, तरक्की, पासबानी, हिफाजत, साहिल, समंदर का किनारा, तंजीम, जमात, दरपेश, सामने। ये आपके हिस्सा दोम के अल्फाज में नहीं मुकम्मल हुए। उसके बाद हम आते हैं इसकी मशक की तरफ। मशक में सबसे पहले अजीज़ तलबा तलबात हैं सवालात के जवाबात। पहला सवाल है इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत कब महसूस की गई। पहला सवाल यह है कि इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत कब महसूस की गई। इसका जवाब है 20वीं सदी के आगाज़ में पहली जंग अजीम के बाद इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत महसूस की गई। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई थी 1914 से, और 1919 में 1919 तक जारी रही थी। दूसरा सवाल है कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस के क़याम की तजवीज़ किसने पेश की थी। इसका जवाब है इस्लामी कॉन्फ्रेंस के क़याम की तजवीज़ सऊदी हुक्मरान शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की थी। शाह अब्दुल अज़ीज़ ने तमाम मुसलमान ममालिक
के सरबराहान को जमा किया और कहा कि एक ऐसी तंजीम बनानी चाहिए जो तमाम मुसलमान ममालिक के लोगों का ख्याल कर सके। तीसरा सवाल है, इस्लामी कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास कब और कहां बुलाया गया? इस्लामी कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास 1926 में मक्का मुकर्रमा में बुलाया गया। फिर ये 1926 के बाद ये ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर एक इस्लामी ममालिक की तंजीम वजूद में आई। इस्लामी कॉन्फ्रेंस आज से रहना कब कैम की गई? इसका जवाब है, इस्लामी कॉन्फ्रेंस आज से रहना 1965 में कैम की गई। 35 मुसलमान ममालिक की 165 मुक्तदर शख्सियात ने इस तंजीम को नए सिरे से कायम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को आग लगाने की शर्मनाक हरकत कब कायम की? अजीज़ तलबा तलबात, जैसा कि आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा इस वक्त हमारा जो किबला अव्वल है, इस वक्त फ़लस्तीन के सरज़मीन, इस वक्त एक नाजायज़ मुल्क इसराइल के कब्ज़े में है। अब वहाँ पे जब इसराइल जुल्म करके थक जाते हैं तो फिर मस्जिद की तरफ रुख करते हैं। इसी तरह की उन्होंने एक शर्मनाक हरकत की अगस्त 1969 में, जब उन्होंने यहूदियों ने मकबूज़ा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा को आग लगाने की शर्मनाक हरकत की। मराकेश में होने वाली पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? 1969 में मराकेश के शहर रुबात में शाह हुसैन ने पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सदारत की। आखिरी क्वेश्चन है बेटा, लाहौर में होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सदारत 1974 में लाहौर में मुनक्किद हुई। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में लाहौर पाकिस्तान में मुनक्किद हुई। उसकी सदारत उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी। उसके बाद बेटा आपकी मशक का अगला सवाल वो है, वहद जमा, वहद है तनाज़े, इसकी जमा है तनाज़ियात, सानिया सानियात, तजवीज़ तजावीज़, वज़ा वजूहात, ज़खीरा ज़खायर। उसके बाद अगर मशा की तरफ आए, अगर तमाम अजीज़ तलबा तलबात आप लोग सवाल नंबर 11 देखें तो सवाल नंबर 11 है, मुस्लिम इत्तेहाद के उनवान पर एक मज़मून तहरीर करें। अगर आप में से कोई भी तालिब इल्म इस उनवान पर मज़मून लिखना चाहता है तो वो मज़मून लिख सकता है और मुझे स्कूल में आके जमा भी करवा सकता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि वो मज़मून किसी भी किताब से कापी शुदा ना हो, बल्कि उस मज़मून में उस तालिब इल्म के अपने ख्यालात हों और उस मज़मून का टॉपिक जिस तरह दिया हुआ है, मुस्लिम इत्तेहाद, आपके पास सबक नंबर 19 मुकम्मल हुआ, पहला हिस्सा अपलोड हो चुका है, दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह कल परसों तक अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद अपना रोज़ाना का काम रोज़ाना करना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।